हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू बायजूज एग्जाम डे दैट इज ऑन द टॉपिक केमिकल कारनेटिक्स ओके तो केमिकल कारनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म के इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन आप लोगों को दिखते हैं अपने एग्जाम में एंड ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा सो एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीकम्पोजिशन मैकेजम ऑफ ओजोन आप लोगों को एक मैकेजम गिवन है ऑन योर स्क्रीन एंड आपको बोला गया है कि इफ के माइनस वन ओ टू इज वेरी लेस देन के टू इंटू ओ थ्री सो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन क्या होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं सो नाउ लेट सी कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड यहां पर ऑर्डर कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा उसे पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोल्यूशन देखें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मैकेनिज्म लिख लें ओ थ्री रेट कॉन्स्टेंट इज के वन एंड बैकवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट है यहाँ पर के माइनस वन एंड दिस इज गिविंग यू ओ टू प्लस ओ एंड अगला ही स्टेप बोलता है कि ओ थ्री प्लस ओ दिस इज गोइंग टू गिव यू के टू एंड टू ओ टू ओके जैसा कि आप लोगों को ऊपर हेडिंग में गिवन था कि दिस इज द डी कंपोजिशन ऑफ ओजोन तो डी कंपोजिशन ऑफ ओजोन की ओवरऑल रिएक्शन होती है टू ओ थ्री गिविंग यू थ्री ओ टू मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ओवरऑल इक्वेशन ओके सो यहाँ पर अगर मुझे इसके लिए रेट बताना है तो रेट हम हमेशा उस स्टेप के लिए लिखते हैं जहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पर हमारा फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो इसके लिए हम रेट एक्सप्रेस करेंगे पर ये जो ओ इंटरमीडिएट तो आया दिस वॉज नॉट प्रेजेंट इन दी ओवरऑल इक्वेशन यानी कि दिस इज द इंटरमीडिएट एंड यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी तो यहाँ पर कौन सी अप्रोक्सीमेशन लगाई जाएगी इट वुड बी अ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन तो अगर हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रो अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन पर डी ओ बाई डी टी पर अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन पर यहाँ पर लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन सो दिस वुड बी इक्वल टू के वन इंटू ओ थ्री यहाँ पर पॉजिटिव के साथ आएगा क्योंकि ऑक्सी यहाँ पर जो नेट सेंट ऑक्सीजन है किस साइड पर है दिस इज ऑन दी साइड ऑफ द प्रोडक्ट एंड अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ये यह किस साइड पर है इट इज ऑन दी रिएक्टेंट साइड तो दैट इज वाई माइनस के माइनस वन इंटू ओ टू इंटू ओ एंड अगले स्टेप में ये अगेन रिएक्टेंट साइड पर है तो दैट इज वाई माइनस के टू ओ थ्री इंटू ओ ओके एंड इसके बाद यहाँ पर दिस इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू योर एस एस तो यहाँ पर जब ये वाली दोनों स्पीशीज उस इक्वेशन के जीरो के दूसरे पार जाएंगे तो इट वुड बी इक्वल टू के माइनस वन ओ टू प्लस के टू इन टू ओ थ्री एंड दिस इज यहां पर आप कॉमन निकाल सकते हैं को, okay? अब यहाँ पर जो तो okay, देखने वाली बात क्या है की एग्जामिनर ने आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज बोल रखी है कि K की के माइनस वन ओ टू की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है के टू इंटू ओ थ्री से तो हेंस वी कैन नेग्लेक्ट इट्स वैल्यू तो यानी कि इसे हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए बच क्या जाएगा के टू इन टू ओ थ्री ओ थ्री से ओ थ्री कट जाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से के वन बाय के टू तो सिंपली अब हम जो रेट लॉ था दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू तो जब आप इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर पुटिंग टू इन वन यू वुड बी गेटिंग योर ओवरऑल रेट एज के टू इंटू ओ थ्री इंटू के वन बाई के टू तो यहां से जो आप लोगों का ओजोन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आया दैट इज वन तो आप लोगों से पूछा यही गया था कि ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा सो so यहां से आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा सिंस द रेट लॉस इज रेट इज इक्वल टू के वन इंटू ओ थ्री तो यहां से आई सपोज ये क्लियर हुआ होगा दैट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन इज वन एंड दिस वॉज द करेक्ट सोल्यूशन तो जितने बच्चों ने भी ये सोल्यूशन किया था यानी कि आपका कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म एकदम क्लियर है सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ वेरी नाइस डे